नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला पॉइंट है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को शॉर्ट में HCRI कहा जाता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत देश मिलकर के सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का उद्देश्य है अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, सप्लाई चेन का विकास करना और उसका प्रसार करना, एक्सपेंशन करना और उसका उसको डेवलप करना। तो सप्लाई चेन से यहाँ पर हमारा आशय है सप्लाई के स्रोत। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत देश अपनी सप्लाई के स्रोत के लिए मेनली चाइना और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पर डिपेंडेंट रहते हैं। पर ये डिपेंडेंसी हमको कम करने की जरूरत है। मेनली चीन पर हम लोग ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि चीन का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। हम चीन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए हमें अपने सप्लाई चेन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, सप्लाई चेन का प्रसार करना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत देश मिलकर के सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, इसका प्रस्ताव दिया था जापान देश ने, और भारत, ऑस्ट्रेलिया बाद में एज अ पार्टनर इसमें ज्वाइन हो गए हैं। और फ्यूचर में यह उम्मीद है कि एशिया पैसिफिक रीजन के जो अन्य देश हैं वो भी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आज की क्लास का दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, या इसका दूसरा नाम होता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे, या इसको मे डे भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे या मे डे, यह 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है और इसको मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिवस का अगर हम इतिहास देखें तो 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे श्रमिक संघ आंदोलन हुए और वहीं से इस दिवस की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कैनेडा में जो श्रमिक दिवस होता है इसको सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। सितंबर महीने के पहले सोमवार के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में और कैनेडा में श्रमिक दिवस मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मई को। इसके बाद आज की क्लास का तीसरा पॉइंट, प्रख्यात न्यायविद और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी की मृत्यु हो गई है। तो सोली जे सोराबजी, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है, वो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और वे एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। तो वीपी सिंह सरकार के दौरान 1989 से 1990 तक वह भारत के अटॉर्नी जनरल रहे और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 1998 से 2004 तक फिर से भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे। तो सोली जे सोराबजी 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। पहली बार जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तब 1989 से 1990 तक, और दूसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तब 1998 से 2004 तक। तो साथ में सोली जे सोराबजी को सन 2002 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आज की क्लास का चौथा पॉइंट, हाल ही में सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए ग्रीन पहल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन इनिशिएटिव, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की ग्रीन पहल का, ग्रीन इनिशिएटिव का उद्देश्य है वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीवन को विकसित करना या संरक्षित करना। तो ग्रीन इनिशिएटिव का पर्पज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला पर्पज था इसका टू रेज द वेजिटेशन कवर, सेकेंड रिड्यूस कार्बन एमिशन, नेक्स्ट कम्बैट पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रिजर्व मरीन लाइफ। तो इसका ये उद्देश्य था। तो ग्रीन इनिशिएटिव का कुछ विशेषताएं हैं इसके, कुछ इसके फीचर्स हैं। तो इसके फीचर के अंतर्गत सऊदी अरब में 10 बिलियन पेड़ लगाए जाएंगे, 10 बिलियन पेड़ सऊदी अरब के साम्राज्य में लगाए जाएंगे। और साथ में नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में 10% से अधिक वैश्विक योगदान को कम करने के लिए नवीनीकरण से सऊदी की 50% ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब का, उस रिक्वायरमेंट का 50% पूरा किया जाएगा कहाँ से, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। सऊदी अरब की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% पूरा किया जाएगा रेन्यूएबल सोर्स
ऑफ एनर्जी से और कार्बन के एमिशन में जो इसकी भागीदारी है, सऊदी अरब की जो भागीदारी है उसको 4% से कम किया जाएगा, 4% तक लाया जाएगा या उससे भी कम किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब अपने संरक्षित क्षेत्र के प्रतिशत को अपने कुल भूमि क्षेत्र के 30% से अधिक करने के लिए भी काम कर रहा है। सऊदी अरेबिया इज वर्किंग टूवर्ड्स रेजिंग द परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज टू मोर देन 30%। सऊदी अरब देश अपने प्रोटेक्टेड एरियाज के परसेंट को बढ़ा करके इतना बढ़ाएगा कि वो 30% से भी ज्यादा हो जाए, जबकि ग्लोबल जो एवरेज है, ग्लोबल जो टारगेट है वो 17% का है। तो लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने बोला है कि हम अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को 30% से भी ज्यादा कर देंगे अपने टोटल लैंड का। उसके बाद क्लास का पांचवा पॉइंट, पूर्व लिवरपूल के स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। माइकल रॉबिन्सन फुटबॉल खिलाड़ी हैं, वे लिवरपूल के लिए खेलते थे, वे आयरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने कुछ अलग लीग्स में भी खेला था, मतलब लिवरपूल के अलावा कुछ अलग लीग्स में भी वो खेला करते थे, जिसमें ब्राइटन है, लीग है, तो कुछ और भी लीग्स हैं जिसमें वो खेला करते थे, कुछ और भी लीग हैं जिनके लिए वो खेला करते थे। वो माइकल रॉबिन्सन जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वे आयरलैंड के रहने वाले थे। आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, एक्सिस बैंक ने एमडी के रूप में अमिताभ चौधरी की फिर से नियुक्ति की घोषणा कर दी है। तो एक्सिस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से कौन बन गए हैं? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। और इस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी और उस वक्त इसका नाम हुआ करता था यूटीआई बैंक, लेकिन 30 जुलाई 2007 को इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया था। एक्सिस बैंक लिमिटेड यह मेनली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है मिड साइज कंपनीज को, एमएसएमईज को और रिटेल बिजनेसेस को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक्सिस बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी, ये पहले भी एमडी रहे थे, इनकी फिर से नियुक्ति हो गई है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना दिसंबर 1993 में हुई थी। इसका पुराना नाम यूटीआई बैंक था, बाद में 2007 में इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया है और यह प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट, अवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया है। तो आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों के स्टार्टअप ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है और जो ये स्टार्टअप है इसका नाम था तवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जो कि आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप है। तो इस स्टार्टअप की टीम ने एक विशेष कंक्रीट का उपयोग करके संरचना को प्रिंट किया जो कि छोटी अवधि में बड़े पैमाने पर 3D संरचनाओं को मुद्रित करने के लिए विकसित हुई थी। ये फिगर में आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला जो 3D प्रिंटेड हाउस है इसको बनाया गया है आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों के द्वारा, और इसको बनाने के लिए एक मिक्सर का उपयोग किया गया है और यह मिक्सर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट पर आधारित है जिसमें पानी सीमेंट का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, वाटर सीमेंट का रेशियो बहुत ही कम है। किसका उपयोग किया गया है? पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, इसके पहले जो कंक्रीट होता था उसका उपयोग आमतौर पर किया जाता था, लेकिन कंक्रीट के साथ कुछ दिक्कत है कि इसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक 3D प्रिंटेड घर बनाया है पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का नाम है वन स्टॉप। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की कुछ और योजनाएं हैं कोरोना वायरस को रिड्यूस करने के लिए, इसके एक्सपेंशन को कम करने के लिए, इसके संक्रमण को कम करने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की घोषणा की है। 5T योजना क्या है? तो यहाँ पर 5T योजना में 5T आएंगे, 5T आएंगे जिसमें है टेस्टिंग, पहला टी है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। तो ये 5T योजना है, 5T में पहला टी है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क और पांचवा है ट्रैकिंग। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि राजधानी दिल्ली में 21 स्थानों पर
स्पेशल शील्ड आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा जिसमें लोगों को सील करना, उनकी पहचान करना और उन्हें अलग करना शामिल है, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड विच इंक्लूड सीलिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्वारंटाइन पीपल इन कंटेनमेंट जोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट था, ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। 5T योजना और वन स्टॉप वेबसाइट, तो ये सब स्टार्ट किया है दिल्ली सरकार ने। इसके बाद आज की क्लास का नवा पॉइंट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना, अ यूनिक स्कीम टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश के राज्यों के नागरिकों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा तैयार विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट नागरिकों को मुफ्त में वितरित करेगी। तो मध्य प्रदेश के जो नागरिक होंगे उनको एक चूर्ण मिलेगा। यह चूर्ण आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया है जिसका नाम है त्रिकुट चूर्ण। तो इस चूर्ण का सेवन करने से जो नागरिक होंगे, जो लोग होंगे, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, ठीक है। तो योजना का नाम आप यहाँ रखिएगा, योजना का नाम है जीवन अमृत योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, भारत के गुजरात राज्य में गुजरात राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल स्टार्ट की है, एक अनूठी योजना स्टार्ट की है। इस योजना का नाम है उम्बारे आंगनवाड़ी योजना। तो गुजरात राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी योजना शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक पहुंच बनाएगी और बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा, साथ में ही उनका समग्र विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ में ही एक टीवी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, और इस टीवी प्रोग्राम का नाम है कुंबारे आंगनवाड़ी, जिसको कि वंदे भारत चैनल पे और जियो टीवी पर दिखाया जाएगा, और साथ में इसको यूट्यूब पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। योजना का नाम है कुंबारे आंगनवाड़ी योजना, गुजरात राज्य में शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक पहुंच बनाएगी और बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा, साथ में उनके समग्र विकास के लिए भी कुछ काम किया जाएगा। एक एक टीवी चैनल भी स्टार्ट किया गया है, एक टीवी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है कुंबारे आंगनवाड़ी, और इस प्रोग्राम को दो चैनल पे दिखाया जाएगा, वंदे गुजरात चैनल पे और जियो टीवी पे, और साथ में इसको यूट्यूब पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने पुलिस फोर्स को टेजर बंदूकें दी हैं। तो गुजरात राज्य सरकार ने वहाँ की पुलिस फोर्स को टेजर बंदूकें प्रोवाइड कराई हैं, टेजर गन्स प्रोवाइड कराई हैं। टेजर गन्स क्या होते हैं? टेजर गन्स एक ऐसे गन होते हैं जो कि संपीड़ित नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं फायर करने के लिए। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है फायरिंग में, टेजर गन्स में, और इलेक्ट्रिसिटी को भेज करके जो टारगेट होता है उसके वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मसल को डिसरप्ट कर दिया जाता है। तो टारगेट के जो मसल होते हैं उसको डिसरप्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है फायर करने के लिए। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है फायर करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से टारगेट के वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ मसल को डिसरप्ट कर दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। गुजरात राज्य ऐसा पहला देश का राज्य बन गया है जिसकी पुलिस के पास टेजर गन्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, गुजरात राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग को 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक सुजलाम सुफलाम जल योजना के चौथे चरण को पूरा करने के लिए कहा है। इस योजना के तहत, मतलब सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत सरकार बहुत सारे काम करेगी, जिसमें सरकार झीलों का गहरीकरण करेगी, झीलों को गहरा बनाया जाएगा, मौजूदा जल निकायों की मरम्मत की जाएगी, जो वाटर बॉडीज हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उनका रिपेयर किया जाएगा, जल नहरों की सफाई की जाएगी और उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए भी काम किया जाएगा। इसके अलावा नदियों तालाबों की भी सफाई किया जाएगा और नदियों को रिवाइव भी किया जाएगा, नदियों को पुनर्जीवित करने का भी काम किया जाएगा। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।